बहुत बड़ा मेला होता है वैसे हर साल होता है। दोस्तों ये जो है ये मेन मंदिर है, भगवान शिव जी और उनका शिवलिंग भी यहाँ पर मौजूद है। तो सर ये क्या बना रहे हैं आप? तो ये भाई मुस्लिम है तो ये भी इनके साथ लगे हुए हैं। तो यहाँ पर लंगर तैयार किया जा रहा है। नमस्ते, राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका अगेन से एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ सिंध के शहर मीरपुर माथेलो में, जहाँ पर हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मेला लगता है। और ये मेला मलंग बाबा का मेला है, जो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर है। तो आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ यहाँ का मेला और यहाँ का मलंग बाबा का मंदिर और यहाँ के सेवादारी और यहाँ के यात्री। तो और भी इसके अलावा बहुत कुछ होने वाला है। तो चलो शिव जी का नाम लेके आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो ये जो है ये मेन एंट्रेंस है इस गेट की, इस मंदिर की। तो ये देखें, ये मंदिर है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और काफ़ी बड़ा मंदिर है। और इसका जो मेला है वो हर साल यहाँ पर जो है लगाया जाता है। भाई ये क्या चीज़ है, क्या चीज है ये? अचार है। किस चीज का? गाजर का। अच्छा, तो ये देखें दोस्तों, ये गाजर का अचार है ये बेच रहे हैं। और ये है शकरकंदी, तो स्वीट पोटैटो जिसे कहा जाता है। और यहाँ पर ये चने भी हैं, जो कि छोले जिसे कहा जाता है, ये भी भाई सेल कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो है यहाँ पर भोजन तैयार किया जा रहा है, जो कि आप देखते हैं, यानी कि लंगर जो होता है उसकी तैयारी चल रही है यहाँ पर। तो ये एक सब्जी है यहाँ पर काटी जा रही है। तो राम राम, क्या नाम है आपका, आपका नाम क्या है? प्रेम। प्रेम, तो भाई का नाम है जी प्रेम। और ये गोभी है, तो गोभी की सब्जी भी यहाँ पर काटी गई है लंगर के लिए। आपका नाम क्या है? अक्षय। सही, कहाँ पर रहते हो, कहाँ पर रहते हो आप? इधर मीरपुर में रहते हो? सही सही। श्यामलाल, श्यामलाल, तो ये हमारे मोहल्ले में बैठे हैं, तो ये भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो श्यामलाल इनका नाम है। जय हो। सर क्या नाम है आपका? शिषपाल। शिषपाल बत्रा। शिषपाल बत्रा। बत्रा यम बत्रा। बत्रा बत्रा भाई का। अच्छा सही सही। सर आपका नाम? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी, द्वारका दास। सही, आप कहाँ से? मैं सादिकाबाद से। बाईकास्ट चौहान। चौहान जी, बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छा मेला लगा हुआ है यहाँ पर। अभी तो यात्री आने वाले हैं यहाँ पर, आएंगे शाम को, आएंगे रात को आएंगे ना? हाँ वही, शाम को आना शुरू हो जाएंगे। राम राम। क्या नाम है आपका? विश्वा कुमार। सही, और आपका नाम क्या है? रोहन कुमार। रोहित। रोहित, रोहित कुमार। रोहित, अच्छा सर, रोहित कुमार। तो दोस्तों ये यहाँ पर जो है जल बांट रहे हैं, तो ये देखें, तो यहाँ पर यानी कि सेवा कर रहे हैं। क्या करते हो आप? स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में? नाइन्थ क्लास में हो। चले अच्छी बात है। तो दोस्तों ये जो है ये मेन मंदिर है, जो हमारे संत मलंग बाबा हैं उनका ये मंदिर है, अलसाराम का भी है। तो अंदर चलते हैं और आप लोगों को जो है विजिट करवाते हैं। यहाँ पर इस तरह से जूते उतार देते हैं और अंदर चलते हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं बाबा मलंग का जो है मंदिर। तो ये जो है ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है हमारे मलंग बाबा की। और दोस्तों यहाँ पर जो है एक और आप लोगों को दिखा दूँ, ये जो मूर्ति है यहाँ पर, ये मूर्ति स्थापित की गई है साईं अलसाराम पीर की। तो ये अलसाराम है, तो इनका एक मंदिर रहमियार खान में भी है, तो वो भी कभी आप लोगों को विजिट जरूर करवाऊंगा। और यहाँ पर हमारे जो भगवान है उनकी भी यहाँ पर फोटो वगैरह रखी गई है ये जगह, जैसे कि यहाँ पर गणेश जी हैं और काली कालका माता भी है यहाँ पर, और यहाँ पर शेरावाली माता, लक्ष्मी माता, श्री राम जी, हनुमान जी। तो ये देखें, ये बाबा गुरु नानक जी हैं, श्री कृष्ण और राधा जी भी यहाँ पर हैं। ऊपर की जो प्लेस है अभी वो विजिट करते हैं। तो ये सीढ़ी है, ये जाती है यहाँ से ऊपर, तो अभी चलते हैं और आप लोगों को ऊपर का जो सीन है
ऊपर के प्लेस वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो इधर सबसे पहले हमारे शिव जी हैं, भगवान शिव जी, और उनका शिवलिंग भी यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, वो भी यहाँ पर स्थापित की गई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि भगवान शिव जी के आगे अपना माथा टेक रहे हैं। तो चलो मजीद आगे चलते हैं और आप लोगों को आगे का सीन दिखाते हैं। और अगर अभी इस साइड पर चलें तो यहाँ पर भी आई थिंक एक मंदिर है, किसका मंदिर है देखते हैं। तो ये देखें, ये बाबा रामदेव पीर का मंदिर है यहाँ पर। तो ये भी आपको चलकर अंदर से दिखाते हैं। तो ये देखें, ये बाबा रामदेव पीर हैं, यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, जो कि घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, जैसे कि वो अपने हर रूप में होते हैं। तो यहाँ पर भी उनको उन्हीं के रूप में स्थापित किया गया है, और पीछे एक बहुत बड़ा बैनर यानी कि फोटो भी लगाया गया है। और अभी इस साइड पर चलते हैं, यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा सा विजिट करवाते हैं। यहाँ पर आई थिंक कुछ बना रहे हैं, लंगर के लिए कुछ तैयार कर रहे हैं। तो चलकर पूछते हैं कि ये क्या बना रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। सर कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। तो सर ये क्या बना रहे हैं आप? ये मालपुड़े। मालपुड़े, अच्छा सही सही। मीठी पूड़ी बोलते हैं, मीठी पूड़ी बोलते हैं इसको, अच्छा सही। मालपुड़े भी बोलते हैं। सही, इसके अंदर क्या डालते हैं आप लोग? चीनी, आटा, घी, छोटी इलायची, दूध। अच्छा, दूध भी डालते हैं साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखें, जो आने वाले यात्री हैं उनके लिए यहाँ पर लंगर तैयार किया जा रहा है। लंगर में है मालपुड़े, इसको मालपुड़े कहा जाता है। तो ये देखें यहाँ पर तैयार हो रहा है, कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार होता है, तो आप देख सकते हैं। तो ये सारे यहाँ के सेवादारी हैं जो कि लगे हुए हैं। भाई आपका क्या नाम है? रमेश कुमार। तो ये भी भाई लगे हुए हैं, साथ में हेल्प करा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ और सेवादारी हैं, वो भी लगे हुए हैं यहाँ पर बना रहे हैं मालपुड़ी। तो भाई राम राम। क्या नाम है आपका? अब्दुल स्तार। सही, तो ये भाई मुस्लिम है, तो ये भी इनके साथ लगे हुए हैं। तो भाई आपका नाम? पुनु भाई भाई का नाम है। तो आपका नाम? साहिल। साहिल मेरे छोटे भाई का नाम है वैसे। तो ये भाई भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो सर आप कहाँ से हैं? आप सादकाबाद से हैं? मैं भी सादकाबाद से हूँ वैसे। इसका पहले भोग लगाया जाएगा, फिर जो यात्री आएंगे उनके अंदर बांटा जाएगा। अच्छा सही सही। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो है, ये मालपुड़े जो है ना, इसका पहले भोग लगाएंगे, उसके बाद जो है लोगों को दिया जाएगा लंगर में। तो दोस्तों ये थे यहाँ के सेवादारी जो कि यहाँ पर मालपुड़े बना रहे हैं और सेवा में लगे हुए हैं आने वाले यात्रियों के लिए और मलंग बाबा के मेले के लिए। तो वैसे काफ़ी गर्मी है और गर्मी के अंदर ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो मतलब सेवा कर रहे हैं। तो इन लोगों को सलाम है वैसे। तो बहुत बड़ा मेला होता है वैसे, हर साल होता है और यहाँ पर काफ़ी यात्री आते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर ये है लंगर की तैयारी। तो यहाँ पर लंगर तैयार किया जा रहा है, जो यात्री आएंगे ना तो उनके लिए ये लंगर तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर भंडारे की तैयारी भी चल रही है। तो ये मेला बाजार लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं झूले भी आए हुए हैं, लोग स्टॉल्स भी लगा कर बैठे हुए हैं, कुछ सामान वगैरह बेच रहे हैं। तो ये देखें, तो दोस्तों यहाँ पर जो है अभी रात का सीन है। तो ये आप देखें यहाँ पर लाइटिंग का जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे से किया गया है, यानी कि इसकी डेकोरेशन मंदिर की बहुत अच्छे से की गई है। और ये स्टेज है, तो यहाँ पर जो है आई थिंक भजन कीर्तन होगा। तो यानी कि ये स्टेज है भजन कीर्तन के लिए, यहाँ पर संगीत होगा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो ये देखें, ए माने लागो ए माने लागो ए लागो ए लागो।